निकलो ना। देखो चैप्टर क्या हो गया, चौथा चैप्टर हो गया क्लास 12 करियर कोर्स। चलिए आवाज नहीं आना चाहिए मेरे कानों तक, जो हो गया बात हो गया। अब फाइंड करना है वैल्यू, डीवीआई क्वेश्चन है। जीरो दिया है, ये माइनस टेन, कोना कोने गुना करो, क्या हो गया एक्स स्क्वायर राइट साइड से क्या करते हैं, इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, सेवन एक्स बराबर माइनस टेन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, सेवन एक्स प्लस टेन बराबर जीरो। क्लास टेंथ में जो गुणनखंड बनाया था मूल्य निकालता था, उसी प्रकार से मूल निकालेंगे। बोलो क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर दस है ना जी, दस माइनस पड़ेगा टू एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टेन बराबर क्या होगा जीरो। एक्स कॉमन लो क्या होगा, एक्स माइनस टू, इसमें से क्या कॉमन लेगा फाइव लेगा, एक्स माइनस क्या होगा टू। एक्स का मान क्या सब आया टू और फाइव, यही निकालना था। उसके बाद देखो पांच में सारणिक का मान करें ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर आपको सारणिक दिया है। सारणिक किस प्रकार से है, वन 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 ये ए बी, ये है आपको सी, और यहाँ पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर है। इनका मान फाइंड करना है। देखो अब प्रसरण करना है, क्या करना है प्रसरण। तो प्रसरण हम क्या करेंगे, या तो रो के अनुदिश करो या तो कॉलम के अनुदिश करो, तो जिसमें फायदा होगा उसी के अनुदिश न करेगा। अगर मान के चलो हम कॉलम के अनुदिश प्रसरण करते हैं, समझ गया ना, तो कोनो फायदा नहीं मिलेगा। कैसे फायदा नहीं मिलेगा, जैसे सी वन माइनस सी टू ही करते हैं तो देखो वन माइनस सी हो जाएगा, लेकिन ऐसे करते हैं आर वन में से आर टू घटाते हैं तो एक मान जीरो हो जाएगा, आर टू में से आर थ्री को घटाते हैं तो एक मान क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो आपको प्रसरण जो करना है तो यूजिंग क्या करना है, या देखो यहाँ पर यूजिंग लिखो या अप्लाइंग लिखो, यूजिंग या अप्लाइंग। तो यूजिंग में क्या करेगा, आर वन ये टेंस टू क्या हो गया आर वन माइनस आर टू। अब देखो आर टू टेंस टू क्या करेगा, आर टू माइनस आर थ्री। अब यहाँ पर देखो ये आर वन है ना जी, ये क्या है आर वन का मतलब हो गया एक ए ए स्क्वायर, समझ गया ना। आर वन का मतलब क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं आर वन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या होता है आर टू, और ये आपका क्या होता है आर थ्री, समझ गया ना। ये आपका क्या होता है सी वन, ये आपका क्या होता है और ये आपका क्या होता है सी थ्री। ये पूरा एलिमेंट होता है, इन्हें किए वो, समझ गया ना। आर वन बोले तो ये पूरा एलिमेंट आर वन हो गया, आर टू बोले तो ये पूरा एलिमेंट आर टू हो गया, आर थ्री बोले तो ये पूरा एलिमेंट क्या हो गया आर थ्री। आर का मतलब क्या हो गया रो, आर का मतलब क्या हो गया रो, रो मतलब पंक्ति होता है, क्या होता है पंक्ति। अब देखो तो ये जो हो रहा है यूजिंग जो कर रहे हैं, प्रयोग जो कर रहे हैं कैसे, तो किसके मान में आर वन के मान में, किसके मान में परिवर्तन हो रहा है चेंजिंग आर वन के मान में, तो किस प्रकार से चेंजिंग हो रहा है, तो आर वन में से आर टू घट रहा है, आर वन में से क्या घट रहा है आर टू। देखो आर वन में चेंजिंग यानी इस पूरे एलिमेंट में चेंजिंग, समझ गया ना, किस प्रकार से आर वन माइनस आर टू, यानी जो आर वन मतलब ऊपर वाले ये आर वन हो गया माइनस आर टू, ऐसे नहीं कि ऐसे बी को घटा देना, संगत एलिमेंट मतलब ये इनके नीचे का जस्ट एलिमेंट घटाएगा तो एक में से एक जाएगा क्या बचेगा, ए में से बी जाएगा तो क्या होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर हो गया। अब देखो वन में से वन जाएगा क्या हो जाएगा, फिर देखो ये आर टू में भी ना चेंजिंग कर रहे हैं तो एक में से एक गया क्या हो गया बी में से सी गया क्या होगा बी माइनस सी, अब क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ये मान आपका क्या है पूरा, ये पूरा मान क्या है आपका, ये क्या है इसका नाम क्या है, किसका सर, इस पूरे मान का आर टू है, ये नीचे आर थ्री है, आर थ्री है ना, क्या नाम है इसका आर थ्री, क्या आर थ्री में कोनो चेंजिंग किए हैं, किए हैं चेंजिंग, जिसमें हम चेंजिंग ये नहीं किए रहेंगे वो मान क्या रहेगा, जस्ट
जैसे कि तैसे उतर जाएगा ना जी। देखो वन सी, ये क्या हो गया सी स्क्वायर। अब देखो तो ये फर्स्ट रो देख रहा है, फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ सकता है, ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये सेकेंड रो जो है इससे क्या कॉमन आ सकता है, आ सकता है इन कॉमन निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो नियम क्या है, ऐसा परीक्षा में जो बनाएगा लिखेगा ए माइनस बी, समझ गया ना, प्रथम कॉलम ए माइनस बी तथा बी माइनस सी कर्मश आर वन और आर टू से कॉमन लेने पर, समझ गया ना, कॉमन लेने पर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मान निकाल देते हैं, समझ जाएगा ना, ए माइनस क्या होगा बी, बी माइनस क्या होगा सी, ये डायरेक्ट मान निकाल लिए। अब देखो ये आपको जीरो है ही, ये जीरो है ही, ये वन है ही, जीरो जीरो ये वन हो गया। यहाँ से हम निकाल लिए हैं ए माइनस बी, तो क्या बचेगा एक, यहाँ से बी माइनस सी निकाल लिए हैं, क्या बचेगा एक, ये सी, सी तो रहेगा ही। अब देखो इसमें से ए माइनस बी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, ए प्लस बी। इसमें से बी माइनस सी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस सी, और ये मान क्या है आपका सी स्क्वायर है ना। अब देखो वन, अब ये जो है सी वन के अनुदिश हम क्या करते हैं, प्रसरण करते हैं, किसके अनुदिश प्रसरण करेंगे, फायदा होगा सी वन के अनुदिश। ए माइनस बी तो है ये है, बी माइनस सी है ये है। आप देखो ये जो वन लेगा, ये वन लेगा ना, ये सामने का कट गया, ये सामने कट गया तो बचा क्या, यही चार एलिमेंट बचा जी, ये चार एलिमेंट बचा कि नहीं बचा, तो राइट साइड से हम गुना करते हैं ना, एक से इसको गुना करेगा क्या होगा बी प्लस सी, एक को इससे गुना करेगा क्या होगा माइनस ए और माइनस बी, ई और ई कट गया ना, तो क्या होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। आपकी बार देखो ये तो काफी भी व्यय है, समझ गया ना, इसी फॉर्म में आपको रहेगा इस प्रकार का सवाल, समझ जाना, ये दो गो में से एगो ने एगो सवाल आएगा है, इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे वन 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 रह गया, उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो बनाएगा कैसे, जैसे इस प्रकार से हम इसको सवाल को बनाया है, इसी प्रकार से इस सवाल को भी बनाएगा, इनका मान क्या नहीं आएगा इस आधार पर कहो तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, एगो नेगो आएगा दो। आर वन के अनुदेश प्रसरण करते हैं तो ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, तो ये देखो सोलह गुना क्या होगा, सोलह गुना तेरह माइनस उन्नीस गुना क्या होगा सात, फिर क्या लेगा माइनस नौ लेगा, क्यों लेगा, ये प्लस होता है इसका स्थान माइनस होता है, ये इसका स्थान प्लस होता है, ये कट गया, ये कट गया ना, तो तेईस गुना क्या होगा तेरह माइनस क्या होगा बोलो बत्तीस, बत्तीस गुना सात, आप देखो प्लस सात लेगा ना, ये खत्म, ये खत्म हो गया ना, तेईस गुना क्या होगा उन्नीस, उसके बाद माइनस बत्तीस गुना सोलह हो गया ना, तो इनको आप गुना करो घटाओ, समझ गया ना, जीरो आ जाएगा मत, अब ये गुना इनसे आप छुटकारा पाना चाहते हो, इतना नहीं करना चाहते हो, ये फर्स्ट आपका लॉ हो गया, सेकंड लॉ क्या है, आप देखो ये सेकंड लॉ क्या है, अप्लाई करके प्रसरण करके बनाएगा, समझ गया ना, ये जनरल लॉ है जी सर, अब अप्लाई करके निकालेगा, समझ गया ना, आर वन देखो सी वन माइनस सी टू, यूजिंग क्या करना है, तो आप सी टू करना है, चाहे यहाँ पर आपको जो है ना सी टू या सी, देखो इसको दोनों में चेंज करेंगे तो सी वन बराबर ही मिलने वाला है, हम सी टू में हम चेंजिंग करते हैं, सी वन माइनस सी टू इस प्रकार से करना चाहते हैं, तो हो जाएगा सात तेरह, इसमें चेंजिंग किए हैं सी टू में ना, तो रेस्ट देखो ऐसे 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 उतर जाएगा, ये और ये उतर गया, चेंजिंग सी टू में है, इसमें सिर्फ करना है, देखो तो सोलह में से नौ गया कितना बचेगा सात, तेईस में से सोलह गया कितना बचेगा सात, बत्तीस में से उन्नीस जाएगा कितना होगा तेरह, हो गया ना जी, ये इनका मान हो गया, समझ गया ना, लिखेगा क्या,
क्या लिखोगे? किसी सारणिक का, किसी सारणिक का यदि दो रो या दो कॉलम समान हो जाए तो उसका मान शून्य। देखो ये जो यहाँ पर में होता है गुणधर्म प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी सारणिक का दो जो है कॉलम या दो रो बराबर हो जाए उसका मान शून्य होता है। तो यहाँ पर आप कारण में लिखोगे कि इस सारणिक का दो कॉलम यानी सी टू और सी थ्री बराबर है, इसलिए इसका सारणिक मान शून्य होगा। ये भाषाई चीज लिखेगा, समझ चुका है ना? तो ये कहाँ से आया? इनका प्रॉपर्टी होता है वहां से आया। या नहीं तो ये प्रॉपर्टी क्यों ऐसा हो गया? तो देखो जो नियम है ऐसा किए, इनको करो ना जीरो आएगा ही, जीरो समझ गया ना? तो इतना बना देगा दो मार्क मिलेगा। क्वेश्चन है क्या मिला? देखो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। जस्ट देखो फास्ट में बनाओ, कौन बना देगा इनको दो मिनट में? किसको बना दे? इसको दो मिनट में कौन बना सकता है? क्या है? जीरो आएगा इसका आंसर, तो कौन सी कर लो। देखो लड़का ये क्या बोल रहा है? सही है तो बोला कैसे कर लीजिए ये सवाल को जो बना दिया उसका पांच मार्क फिक्स हो गया, समझो। अच्छा मॉडल पेपर में देखो इससे सवाल भी है, एक होगा देखो है कौन सवाल है देखो तो। टू ए बी सी टू ए बी ये आप लोगों के लिए है। अच्छा मॉडल तो प्रत्येक देखो हो जाए इसमें, उसके बाद अगला भी है। जरूरी है, बढ़िया आएगा तुम बोले दो बजे का चार कर दिया था कोई परेशानी।